भिवानी एक सुन्नी पड़ी हुई है और एक सुन्नी भिवानी को एक रखवाला राजू ही है। समाज फैसला लेके अगर तारा का राजू भाई ने तो हम साथ सा भाई सारे भाई पार्टी कोई ज्वाइन नहीं करी है और शायद करें भी नहीं, निर्दलीय के तौर पे देखेंगे। बहुत ज्यादा भीड़ थी भाई, मार तो संभालती पसीन पे आएगी, मतलब सही बताऊँ। अच्छा वासुदेव ने तो कह भी दी अब भाई हम छोरे का समर्थन में हार साथ हाँ, जनता कहेगी तो एक सेवा का मौका देगी तो सेवा करेंगे होंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। भिवानी के कमला भवन में ये 2024 के इलेक्शन की हुंकार या फिर ब्राह्मण नेताओं का अपना मजबूती दिखाने का एक सिलसिला आप देख सकते हैं। एक मंच पर ब्राह्मण नेता आए हैं और भिवानी के सर्वजातीय कार्यक्रम से फिलहाल आप देख सकते हैं। तो मुकेश गोड़ से जिस तरीके से क्या कहेंगे फिलहाल, ये ब्राह्मणों की हुंकार है या सर्वजाति? आपने अच्छा। ये पत्रकार साथी जो है इन चीजों का ध्यान रखें, हर चीज को जाति और इन चीजों से गोत्र से जोड़ करके ना देखें। इस कार्यक्रम का तो नाम ही सर्वजाति मिलन समारोह है, तो इस कार्यक्रम का प्रारूप जो है आपकी शब्दावली में भी वही रहे। ये कोई ब्राह्मण सम्मेलन नहीं है, ठीक है। कि जब एक सवाल था कि आप ब्राह्मणों की नेताओं की हुंकार है, क्योंकि मंच पर मोस्टली ब्राह्मण नेता नजर आए। भाई मेरे सबको इन्वाइट किया, अभी अभी जो है ना संदीप सिंह आकर के गए हैं, ठाकुर संदीप सिंह जी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हमारे जिले के, वो आकर के अभी गए हैं। उससे पहले भी मेरे ख्याल से मामन चेयरमैन भी आया था, तो लोग आए हैं और आते रहेंगे। मेरे पास अब टाइम था, मैं संयोग बस लोग इकट्ठा हो गए, बाकी ये सर्वजातीय कार्यक्रम है। लेकिन ये पूर्ण 2024 इलेक्शन को लेकर के है या खाली भाईचारा मिलन समारोह तक? ये भाईचारे का कार्यक्रम है, इसको आप इलेक्शन से क्यों जोड़ के देखते हो? भाईचारे का ऐसे मैं भी टिकटार्थी हूँ, डॉक्टर वासुदेव जी भी टिकटार्थी हैं, परंतु अगर ये पॉलिटिकल कार्यक्रम होता तो हम थोड़ी इकट्ठा होते। ये सामाजिक कार्यक्रम, इसलिए एक मंच के ऊपर सभी इकट्ठे। लगता है राजू नांगल के इस कार्यक्रम से राजनीतिक बदलाव या उनकी भी चर्चाएं बहुत सारी? ये तो अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, आप भी टिकट की महत्वाकांक्षा पाल और भी पाले। विधानसभा बड़ी विधानसभा है, 2.25 लाख वोट है, कोई भी महत्वाकांक्षा पाल सकते, सबका स्वागत। 24 में इस तरह के कार्यक्रम बहुत सारे देखने को मिलेंगे लगता है? ये तो स्वाभाविक है विनोद जी, जब चुनाव नजदीक होता है तो कार्यक्रम भी होते हैं और लगा रहेगा। ये तो अभी बात करो राम मंदिर की, 22 तारीख को राम मंदिर जो है ना प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से खुश रहे भाई, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि प्रभु रामचंद्र जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है, आप सब लोग इस पर्व के अंदर शामिल हों, घरों के ऊपर दीपक जला करके इस पर्व को महान पर्व बनाएं और दुनिया को संदेश दें। फिलहाल राम मंदिर पर एक दिन चर्चा जरूर करेंगे हम एक दो दिन में ही, हालांकि फिलहाल आप देख सकते हैं और राजू नांगल और सारे नेता फिलहाल यहाँ पर मंच पर दिख रहे हैं। हालांकि जो भाईचारे की बात कर रहे हैं, फिलहाल एक बार कैमरे को मूव करके दिखा दें, हर जाति धर्म के लोग यहाँ पर आए हैं, उसको हम खाली एक जाति का तो नहीं कह सकते, लेकिन राजनीतिक लोग हैं तो इनसे सवाल तो बनते हैं। फिलहाल भिवानी की राजनीति में सर्वजातीय मिलन समारोह से हलचल पैदा करने वाले राजू नांगल हमारे साथ मौजूद हैं और ये देखिए युवाओं ने घेर रखा आपको, और ये सर्वजातीय सम्मेलन कहीं ना कहीं एक राजनीतिक सम्मेलन ना बन जाए, क्योंकि जिस तरह की हलचल है सैकड़ों हजारों लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे। क्या कहेंगे राजू भाई? भाई साहब जितने भी भाई यहाँ पहुंचे मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे को नहीं पता था भाई मेरा भाईचारा इतना प्रेम मिल लगा, नहीं तो मैं बड़ी जगह व्यवस्था करता, जगह छोटी पड़ गई और सारी कुर्सियाँ भी भर गई, मतलब जो एक्स्ट्रा मंगानी पड़ी 500 कुर्सी वो भी कम पड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा मेरे भाई जितने आड़े सारे। आज कोई राजनीतिक आगाज या राजनीतिक फैसला भी लिया गया है? क्योंकि बार बार मंच से युवा कह रहे थे बोला 400 उस कॉलोनी से ले आऊँगा, 500 उस गांव से ले आऊँगा, तो युवा भी साथ हैं और लोग साथ हैं, राजनीति का इशारा कर रहे हैं। देखो अगर जनता कहेगी तो एक सेवा का मौका देगी तो सेवा करेंगे उनकी। पहले भी सरपंच बने हुए मेरे गांव का, मैंने सेवा की है मेरे गांव की, तो मेरे गांव ने अब यहां से स्टेज के माध्यम से बोला भी है कि भाई हमारे गांव में इतना विकास करवाया, अगर मेरा पूरा गांव है अब जैसे भाई नौरंगाबाद से, पुरनपरा से, धारेडू से, मानेरू से, बांबड़ा से, नांगल से, सभी गांवों के जितने प्रतिनिधि आए थे सब ने भाई अपनी अपनी तरफ से पगड़ी पहना के न ये बात तो कहना ही कही है कि भाई आगे बढ़ो हम आपके साथ हैं, लेकिन देखेंगे। अब इस बारे में विचार किया नहीं है अभी। लिए कोई स्पेशल पार्टी ज्वाइन की जाएगी या फिर निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतरा जाएगा? नहीं अभी पार्टी कोई ज्वाइन नहीं करी है, शायद करें भी नहीं, निर्दलीय के तौर पर देखेंगे और बाकी देखो
क्या फैसला लेते हैं, जनता फैसला लेगी। लेकिन ये जो प्यार है आज, इससे मजबूती और जोश आया है कि कमजोर नहीं हूँ, अकेला नहीं हूँ, हैं लोग साथ में। जो राजनीति वालों को आजकल तो मुश्किल हो जाता है 1500 लोग इकट्ठा करना। ना मैं बहुत खुश हूँ आज, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त खुश हूँ। मेरे भैया ने इतना प्रेम दिया और इतना समय भी नहीं था मेरे पास, और ये फोन ना पे हो रहे हैं सारे भाई। सोनू आज भाई क्या कम पाया हूँ, क्या कहोगे राजू के इस कार्यक्रम के बाद? लगता है क्या कतीत है, दिलते सपोर्ट है। अरे भाई भाई बहुत दिल के और भाई बेचारा के बहुत नेक इंसान है। और हम तो भाई तय भाई पहले भी जुड़े थे और आज भी थोड़ा वो आया था। चुनाव में कुदाओगे मतलब? क्या भाई चुनाव में कुदाओगे? हाँ बिल्कुल कुदावांगे भाई की, हर तरीके से भाई तन मन धन सपोर्ट है भाई की। गेला है भाई, क्या कहोगे जी? यही है, हम तो यही कहना चाहते हैं कि राजू भाई जैसा भिवानी में कोई इंसान है नहीं, जिसके साथ ये पूरा सौर समाज इनके साथ लगा हुआ है। और हमारी तो दिल से इच्छा है कि ये एक अच्छे लीडर हैं। मैं हम इनको मानते हैं अच्छे लीडर के तौर पे। वैसे तो उन्होंने अभी तक राजनीति कैरियर शुरू नहीं किया अपना, लेकिन हम इनको अच्छा लीडर मानते हैं क्योंकि भिवानी एक सुन्नी पड़ी हुई है, और एक सुन्नी भिवानी को एक रखवाला राजू ही है जो इस भिवानी को जिम्मेवारी के साथ इस दायित्व को निभा सकता है। बात कह दी है, फिलहाल एक लीडर चाहिए भिवानी को, आपको भी लगता है? बिल्कुल बिल्कुल लगता है, क्योंकि जो युवा ना, जब युवा जाग गया देश का संकट भाग गया है। युवा के बगैर कुछ नहीं। अरे एक राजू भाई एक ऐसे यहाँ प्रतिनिधि हैं जो युवा के साथ चल कर जो हर एक आदमी से अपना हाथ पकड़ का काम करवा लो, उस चीज़ में कोई वो नरोल नहीं है। बस ये विषय बात का है कि यह लड़ाई है, इसने भाई के लिए मिलकर करने की तरिया लड़ाई लड़नी है, हमने किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है जी। फिलहाल क्या कहेंगे टीके भाई, जिस तरीके से आपने तो बहुत सारे राजनीति के देखे कि युवा कह रहे हैं, बोला राजू जैसे लीडर चाहिए भिवानी को। ऐसा है विनोद जी, जहाँ जहाँ युवा चलते है जमाना उसी ओर चलता है, जो युवा चाहेंगे भाई साहब होगा वही। और राजू भाई साहब बहुत अच्छे समाज सेवी भाई हैं, और जो भी एजन हित में कार्य करेंगे हम भाई का हमेशा साथ देंगे। आज कोई मन बना लिया है, फैसला लिया गया है? युवाओं की जो सुना है हमने, था तो भाईचारा सम्मेलन ये मिलन समारोह था, पर युवाओं की जो सोच है भाई साहब वो कुछ और मांग रही है। एक युवा नेतृत्व सौंपने की उन्होंने अंदर ही अंदर सोच ली है, तो भाई साहब युवा क्या पता क्या कर दें, कुछ नहीं कह सकते, जमाना बदल सकते हैं युवा तो। अच्छा एक राजू भाई आपसे एक सवाल जरूर है, यहाँ पे भिवानी के पूर्व मंत्री की बात करें, मुकेश गोड साहब की बात करें, बहुत सारे नेता भी आए हैं इस कार्यक्रम में, तो कहीं ना कहीं वो भी राजू के समर्थन में या राजू के साथ मिल के चलेंगे आने वाले वक्त में, ये भी एक इशारा है? हाँ साथ मिल के चलेंगे समाज के, मेरे नेता दूर थोड़ी ना, हम उनसे ना वह हमारा तरह ना हम उनसे। तो राजू मजबूत होता दिखा तो सारे मदद करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, चाचा वासु तुमने तो कह भी दी अब हम छोरे का समर्थन में हार साथ। हाँ ये कमाल की बात है। फिलहाल सोनू भाई क्या कहोगे फिलहाल इस कार्यक्रम के बाद, ये सारी कुर्सियां आज कहीं ना कहीं गवाह है कि भिवानी को एक नया लीडर मिल चुका है आने वाले वक्त। भाई जो भी समाज फैसला लेगा ना, आज समाज ने लिया भी, हर बोले भी भाई मंच पे, हर बढ़िया प्रोग्राम था हमारा, तो पसीने आ लिए पसीने आपके तो आ लिए, लेकिन भिवानी के कई नेताओं के भी आ लिए, एक और आ लिया कैंडिडेट यूँ लगेगा के भाई साहब देखो जो समाज फैसला लेगी, अगर आगे तारागा राजू भाई ने तो हम साथ भाई सारे भाई, अरे अच्छी पहल है भाई की, सरो जाति मिलन समारोह करे भाई ने, अरे इतनी भीड़ भाई बहुत ज़्यादा भीड़ थी भाई, मार तो संभालती पसीने आएगी मैं तो सही बताऊँ। फिलहाल मेरे को जय हिंद मंच के कुछ यहाँ पर अध्यक्ष से लेकर बहुत सारे बड़े बड़े पदाधिकारी मिल गए और चित्रलेखा जी मिल गई, तो फिलहाल इनसे जानूंगा आज ये सर्वजातीय कार्यक्रम। वैसे तो आप लोग दिल्ली देखते हैं और दिल्ली बैठते हैं, लेकिन भिवानी में इस कार्यक्रम से राजनीतिक परिवर्तन कितना आएगा और इससे भाईचारा कितना बढ़ेगा? भिवानी अपडेट के ऑडियंस को मैं ये कहना चाहता हूँ और इसके माध्यम से हिंदुस्तान के सभी लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जाति धर्म क्षेत्र गोत्र और दल बाद में होना चाहिए, देश पहले हो। अगर इस विचारधारा को कुछ युवा अडॉप्ट करते हैं तो उनका हम समर्थन करते हैं। उसी कड़ी में आज नांगल के पूर्व सरपंच राजू भाई ने जब ये बीड़ा उठाया तो जय हिंद मंच ने भी उनके इस निमंत्रण को स्वीकार किया और कहा कि हाँ अगर ऐसे कुछ युवा जो पार्टियों को सेकेंडरी और लोकतंत्र की मजबूती को प्राथमिकता देते हैं उनको हम सामाजिक कार्य करते हुए राजनीति में आगे आने के लिए प्रेरित जरूर करेंगे, और उसके लिए देश के सबसे बड़े मंत्रालय गृह मंत्रालय के डायरेक्टर बहन चित्रलेखा शर्मा पहुंची और कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने वाले नवीन जहिंद ने आज राजू नांगल को समर्थन दिया कि हाँ आप राजनीति में शुचिता के लिए और समाज को एक अग्रणी भूमिका में नेतृत्व देने के लिए आप आगे आइए, हम
पार्टियों से भी मजबूत कैडर आपको देंगे, क्योंकि जहिंद मंच का अपना 14.5 लाख लोगों का कैडर है जो राजनीतिक विषयों पे तीखी निगाहें रखता है। क्या कहेंगे आप, दिल्ली से आए हैं, इस तरह के कार्यक्रम भिवानी में देखते हैं, भाईचारा वैसे तो टूटता है राजनीति की वजह से, लेकिन आज राजनीति की वजह से ही एक अलग राजनीति की जा रही है यहाँ पे, सर्वजातीय राजनीति, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन राजू भाई ने जो ये कार्यक्रम सर्व जातीय आयोजित किया है, सम्मेलन किया है, मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि आप देखिए कि जब हमारा कोई व्यक्ति एक्सीडेंट हो जाता है या किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या कभी ये पूछा जाता है कि ये किस जाति का ब्लड है? हम सबकी रगों में एक ही खून बह रहा है, तो जब हम ये नहीं पूछते कि हमें किस जाति का ब्लड है, तो ये जाति पाति सब खत्म होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। सर्व समाज एक है, सभी सनातन हैं, और सबका एक ही ध्येय है, हमारे राष्ट्र को बचाना, राष्ट्र को ऊंचा करना, समाज को उत्थान करना, इसलिए सभी समाजों का। नवीन भाई क्या कहेंगे, जिस तरीके से लाल चौक वाला जोश तो हालांकि आपके भाषण में दिखा था, लेकिन हर व्यक्ति के उसमें नहीं दिख पाता, चाहे वोट डालने का वक्त हो या नेशनलिज्म की जब भी बात आती है कमज़ोर पड़ जाता है, खास करके युवा। मैं भिवानी अपडेट के माध्यम से एक बात युवा साथियों को कहना चाहता हूँ, वायु को अगर हम उल्टा करते हैं तो उसका युवा बनता है, और युवा कई बार वेग में बह करके भटक जाता है राजनीतिक पार्टियों में। आज इस सर्व जातीय मंच से जय हिंद मंच की एक टीम ने ये आह्वान किया कि हम धर्म जाति क्षेत्र और गोत्र में ना बटें, हम जब भी वोट करते हैं तो काबिलियत के आधार पर वोट करें, क्योंकि चरित्र निर्माण के माध्यम से ही राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। और इसलिए मेरी युवाओं से एक अपील है कि आप भटके नहीं, आप जो है पार्टियों के झंडे मत उठाइए, आप राष्ट्र ध्वज को उठाकर साथ चले, और जो गांव की दहलीज से उठ करके कोई अपना ये मन करता है कि जब तक तो वो गांव का लड़का एक साधारण सा सरपंच बहुत अच्छा लगता है कि जब तक वो पार्टी के साथ रहता है, तो तब पार्टियों को क्या हो जाता है, दुश्मन हो जाता है कि गांव से एक चौकट से निकल करके कोई राजनीति के तख्तों तक जाता है। तो आज उसी मिथ्या को तोड़ने के लिए सर्व जातीय ये सम्मेलन था। सर्व जातीय सम्मेलन में भारत के सबसे बड़े गैर राजनीतिक संगठन 14 लाख लोगों का जो नेतृत्व करते हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश जी के नेतृत्व में आज हमारी टीम आई थी, और इसके लिए मैं राजू नांगल जी को कि सर्व जातीय कार्यक्रम करके इस मिथ्या को तोड़ा है, क्योंकि जय हिंद मंच हमेशा कहता है धर्म हिंदुस्तान हमारा, जाति हिंदुस्तानी है, तिरंगा सीने पे रखते हैं, इसलिए जय हिंद हमारी निशानी है। तो आइए मिलकर के सैनिकों का सम्मान करें और सर्व जातीय सम्मेलनों में शामिल हों। भाई फिलहाल इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें कि भिवानी में एक और नेता आ चुका है क्या, और आने वाले वक्त में इस कार्यक्रम से 2024 में कितना परिवर्तन नजर आएगा, और राजनीति में खास करके किस तरह की चर्चाएं हैं राजनीतिक गलियारों में, फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से कमेंट में लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय।